तो दोस्तों आज हम बनाएंगे इंस्टेंट स्पाइसी सेव टमाटर की सब्जी। उसके लिए मैंने ले ली है कढ़ाई, उसमें ऑयल गरम करने के लिए रख दिया है और ऑयल गरम होते ही उसमें डाल दिया है जीरा। जीरा होने के बाद उसमें डालेंगे ग्रीन चिली और गार्लिक की पेस्ट है। अदरक नहीं डाला है मैंने, सिर्फ लहसुन और हरी मिर्च। आप जितना तीखा खाना चाहो उस हिसाब से आप डाल सकते हैं। यहाँ साइड में मैंने टमाटर कट करके रख दिए हैं और हमारी जो लहसुन और मिर्च की पेस्ट है उसको स्लो फ्लेम पे ऐसे अच्छे से पकने देंगे। वो पकने के बाद उसमें मसाला कर लेते हैं। हल्दी डाली है, धनिया पाउडर और मिर्च पाउडर। ये सब मसाले ऑयल में डालने से सब्जी अच्छी कलरफुल बनती है और अच्छा सा फ्लेवर भी आता है इसका। ये सब एकदम स्लो फ्लेम पे करना है, नहीं तो हमारा जो पेस्ट बनाया है वो जल सकता है। ये पेस्ट रेडी है, उसमें हम ऐड कर देते हैं हमारे कटे हुए टमाटर। ये मैंने ऐड कर दिए हैं और ये मसाले के साथ टमाटर को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। इसको मैंने अच्छे से मिक्स कर दिया है, उसके बाद लास्ट में स्वाद अनुसार नमक। इसको भी अच्छे से मिक्स कर देते हैं नमक को अपनी सब्जी में, ताकि अच्छे से पक जाए। इसमें पानी ऐड करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, टमाटर अपना पानी छोड़ता है, उसी में ये सब्जी अच्छे से पक जाएगी। इसको ढक देते हैं और पकने देते हैं। देखिए आपको दिखाती हूँ, थोड़ी ही देर में टमाटर ने अपना पानी छोड़ दिया है, अब इसी में अपनी सब्जी अच्छे से पक जाएगी। इसको अच्छे से पकने देने के बाद हमारी सब्जी रेडी हो गई है, सिंपल स्पाइसी अच्छी सी सेव टमाटर की सब्जी। इसको मैंने बाउल में निकाल लिया है। ये देखिए अच्छी सी बनी है हमारी सब्जी। इसको हम सेव से गार्निश कर देते हैं। आप चाहे तो रतलामी सेव ऐड कर सकते हैं, नॉर्मल वाली चने की आटे की जो सेव आती है वो डाल सकते हैं। मैंने यहाँ पे भुजिया सेव ली है। ये हमारी सेव टमाटर की इजी, सिंपल और इंस्टेंट सब्जी रेडी है। तो आप लोग भी ज़रूर ट्राई करें और मुझे कमेंट करना, लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलें।